पुलिस कमिश्नर ने दो दिन पहले कंट्रोल रूम पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बैठक ली थी। इस मामले में अब सड़क के ट्रैफिक गश्त और नाइट कल्चर को लेकर अगले 15 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होने के चलते गश्त में भी हर जोन से 2 TI को शामिल रहने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही रात में लापरवाही बरतने वाले TI को नोटिस जारी किए गए हैं। कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने सबसे पहले शहर के ट्रैफिक को सुचारू बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी प्रमुख चौराहे के साथ मार्केट में पुलिस की क्रेन और अलर्ट करने वाले वाहनों को तैनात रहने के लिए कहा गया है। इसके चलते रात से ही BRTS पर पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसमें कई होटल और कैफे वालों को पकड़कर थाने ले जाया गया। इसके पहले एडिशनल DCP अनिल कुमार पाटीदार की टीम ने बंगाली चौराहा और कनाड़िया चौराहे की शराब दुकानों के सामने रोड पर खड़े वाहनों पर नो पार्किंग की चालानी कार्रवाई की। इसके तहत पहले लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रोड खाली कराया गया। दूसरी टीम ने इसके बाद पश्चिम में मरी माता पुराना नाका चंदन नगर कॉलोनी नगर द्वारकापुरी शराब की दुकानों पर सड़क पर खड़े वाहनों से ट्रैफिक रुकने को लेकर कार्रवाई की। तीसरी टीम ने विजयनगर शराब दुकान चौथ राम मंडी चौराहे स्थित शराब दुकान पर कार्रवाई की, जिसमें करीब 500 वाहनों के चलान बनाए गए। कार्रवाई को लगातार जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए। इंटेलिजेंस DCP रजत सकलेचा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले दो इवेंट के चलते नाइट गश्त में हर जोन में एक के बदले 2 TI के गश्त रहने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले दो इवेंट के चलते नाइट गश्त में हर जोन में एक के बदले 2 TI के गश्त पर रहने की व्यवस्था गुरुवार रात से ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर DCP को मामले की जानकारी देना होगी, उनकी परमिशन के बाद ही गश्त से छुट्टी हो पाएगी। 8 TI को रात में गश्त पर रहना होगा। इस मामले में 2 TI से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उन्होंने जवाब दे दिए हैं। कमिश्नर ने इस दौरान बाहर से आने जाने वाले लोगों की जानकारी लेने के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की बात की है। इसके बाद ही शहर की होटल लॉज और ढाबे में काम करने वालों और रुकने वाली की जानकारी भी थाना स्तर पर एकत्र करने की बात कही गई है। अफसरों के मुताबिक प्रवासी सम्मेलन और ग्लोबल समिट के चलते दिल्ली से सर्चिंग के लिए कभी भी टीमें आ सकती हैं, जो होटल व मॉल के साथ किसी भी थाने में जाकर इंस्पेक्शन कर सकती हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।